लोकसभा चुनाव प्रचार के पहले ही पड़ाव में कांग्रेस की तरफ से एक कमजोर गेंदबाजी की गई, जिसका बीजेपी अब भरपूर लाभ उठा रही है। इसके पहले मोदी का परिवार एक ऐसा मुद्दा आरजेडी की तरफ से दिया गया था, जिस पर बीजेपी ने अपने प्रचार का मोमेंटम खड़ा किया, और अब राहुल गांधी की तरफ से शक्ति का एक ऐसा मुद्दा दिया गया है जिसे प्रधानमंत्री मोदी अपने अंदाज में इसे पूरी तरह से लपक चुके हैं, और उल्टा अब कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों पर हमला भी बोल रहे हैं। ये लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बात हो सकता है आपको पूरी तरह से न समझ में आए, तो हम आपको इसका पूरा बैकग्राउंड बताते हैं। दरअसल मुंबई में राहुल गांधी की यात्रा का समापन था और इस मौके पर उनके गठबंधन से जुड़े तमाम सहयोगी वहां मौजूद थे और एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने एक शब्द का प्रयोग किया था और वो था शक्ति। शक्ति शब्द का इस्तेमाल अगर राहुल गांधी राजनीतिक तौर पे किए होते तो हो सकता है इसका इशारा कुछ और होता, लेकिन राहुल गांधी ने शक्ति का इस्तेमाल हिंदू धर्म के साथ जोड़ते हुए किया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान को सुनने के बाद आप में से बहुत सारे अधिकांश लोग यह कह सकते हैं कि उनका वो मतलब नहीं है जिसको लेकर के बीजेपी हायतौबा मचा रही है, लेकिन ये राजनीति है जनाब। यहाँ पे जो भी बात बोली जाती है कसौटी पे कस के बोली जाती है, तोल मोल के बोली जाती है। आपका बयान एक भी ढीला पड़ा तो विपक्षी हमलावर तो होगा ही होगा। अगर राहुल गांधी की सियासत और उनके बयानों के पुराने पन्नों को हम पलटें तो कई जगह पे पाएंगे कि उन्होंने हल्की बयानबाजी या ये कहें कि कन्फ्यूजन में कुछ ऐसी बातें कह गए हैं जो उनके विरोधियों के लिए एक बड़े मौके के रूप में उपलब्ध हुए हैं। अब जब उन्होंने ये बयान दिया है तो न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि पूरी बीजेपी तामझाम के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों के खिलाफ टूट पड़ी है। इस तरीके से चुनाव से पहले ही इस तरीके की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को सनातन का अपमान करने की आदत पड़ गई है। सनातन का आवा सादा नहीं जानते हैं राहुल गांधी, और ये ताकत, सनातन की ताकत को दुनिया स्वीकार कर रही है, और जिस प्रकार से वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तानी समाज में शक्ति को लेकर कई सारे टर्म्स हैं, और एक सामान्य व्यक्ति भी उन टर्म्स के इस्तेमाल करने से पहले उसके आगे एक प्रीफिक्स जरूर जोड़ता है। मसलन अगर शक्ति राजनीति से जुड़ी हुई है तो राजनीतिक शक्ति, अगर शक्ति आर्थिक जगत से जुड़ी हुई है आर्थिक शक्ति, उसी तरह से अगर धर्म विशेष से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसमें हिंदू धर्म में अगर शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इसका कनोटेशन बिल्कुल ही दूसरा हो जाता है। राहुल गांधी यहीं पर चूक कर गए। शक्ति से पहले जो उन्होंने हिंदू धर्म का प्रीफिक्स जोड़ा वो उनके लिए घातक साबित होने लगा है। पहले चाय वाला, उसके बाद चौकीदार चोर है, उसके बाद से इसी चुनाव में आ गया मोदी का परिवार, और अब शक्ति। अब बीजेपी जाहिर तौर पे इतने सारे मुद्दे मिलेंगे तो उसको आराम से भुनाएगी। अब विपक्ष को सोचना होगा कि जो भी उनके तरफ से बयान दिए जा रहे हो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ध्यान दे, कसौटी पे कस के बोले, तोल मोल के बोले, नहीं तो चुनाव में एक भी दाव अगर उल्टा पड़े तो बड़ा भारी नुकसान भुगतना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।